हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से फिर बात करने वाला हूं गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। जैसे कि आपके सामने जो स्क्रीन पे एक कार आ रही है, ये फोक्सवैगन की अमे हो, और जिसको अभी हाल में एक साल पहले परचेज़ किया गया था। और इस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है वो है एक ट्रक से। हाँ जी, फुली लोडेड एक लॉरी जिसपे जो पीछे से हिट करती है। और गाड़ी का क्या कंडीशन है वो आपके सामने, आपको देख के तो नहीं लग रहा होगा कि एक ट्रक ने मारा है, पर वास्तविकता ने एक फुली लोडेड ट्रक ने रिवर्स करते हुए इस गाड़ी को मारा। और आप गाड़ी की पिक्चर देख सकते हैं, जिस गाड़ी ने, मतलब जिस ट्रक ने इसको हिट किया है, उस गाड़ी ने कितनी लोडेड है। और चूँकि मड था, टोल प्लाज़ा पर थोड़ा सा गाड़ी लगी हुई थी पार्किंग में, काफ़ी रोकने के बावजूद भी उसने, ट्रक ड्राइवर ने देखा नहीं। यही अक्सर होता है एक्सीडेंट की वजह, कि ट्रक ड्राइवर अपने में मस्त होकर के चलाते हैं, उनको दाहिने बाएं आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं होता, बस वो चलाते हैं गाड़ियां किसी न किसी तरीके से। और उसी कंडीशन के कारण गाड़ी को पीछे से हिट करता है, फुली लोडेड गाड़ी, और लगभग मेरे हिसाब से 10-20-30 की स्पीड थी उस समय। और जब गाड़ी हिट करती है तो आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन हुई, कि उसको जब लगा कि पीछे कोई ऑब्स्टिकल है तो उसने गाड़ी को काटा हल्का सा लेफ़्ट साइड में, और उसके बाद ये स्क्रैच करते हुए लग गए। देखने से तो नहीं लग रहा गाड़ी को हिट किया है ट्रक ने, हालांकि इसकी जगह अगर डिज़ायर वज़ायर होती तो मेरे को लग रहा है कि उसका बम्पर और लाइट बोनट सब कहीं ना कहीं मैंगल्ड हो गया होता। पर जिस हिसाब से फोक्सवैगन की बिल्ड क्वालिटी है, उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि एक सेफेस्ट कार है। और आप लोग अपनी सेफ्टी को देखते हुए गाड़ियाँ लीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली, आपकी जितनी भी चीज़ है वो सब आपकी फैमिली है, आपका जीवन आपकी फैमिली के लिए है। और गाड़ी का माइलेज, सर्विसिंग, ये सारी की सारी चीज़ें बाद में काम आएगी, पहले आपका जीवन है। तो इस तरह की गाड़ी लेने से आपको फ़ायदा यही होता है कि अगर गाड़ी आपकी किसी भी तरीके से आपको हिट करेगी तो आप सेफ़ रहेंगे। हालांकि गाड़ी उसके बाद चल भी रही थी, हम लोगों ने गाड़ी को चलाया, एक्सीडेंटल क्लेम में बनवा भी लिया, लेकिन गाड़ी की सेफ्टी बहुत मैटर करती है। अब हम लोग ये गाड़ी लेके कहाँ जा रहे थे, ये गाड़ी हम लोग लेके जा रहे थे घूमने के लिए उसी जगह पे जो बहुत फेमस है, मध्य प्रदेश में होने ये पाया जाने वाला ताल बेहट का किला, जिसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई हुई थी। उस वीडियो को आप मेरे वीडियोस में जा करके देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को इस वीडियो की आज पूरी लाइव वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से अंदर का उसका क्या सीन है। ये है ताल बेहट का किला, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक भूतिया किला है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। और इसकी कहानी ये थी, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि 7 ऐसी लड़कियाँ थी, जब ये किला बनाया गया था तो इस किले के जो राजा थे उसके पिता ने मांगने वाली कुछ नेक मांगने के लिए आती हैं, कुछ गिफ्ट मांगने के लिए आती हैं जब कभी घर में कोई नया काम होता है। तो 7 लड़कियां गई हुई थी जिसके साथ में बड़ी बदसुलूकी की गई थी और कुछ गलत किया गया था राजा के पिता के द्वारा। और इस चीज़ का राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ था, क्योंकि उस कुकर्म के बाद में लड़कियों ने उसी किले की छत से कूद करके जान दे दिया था। तो ये किला बड़ा भूतिया हो गया था। और ये किले का फ्रंट डोर है, इसी जगह से मैं आपको बताऊँ कि ये 7 लड़कियों की फ़ोटो इस आप देख सकते हैं दरवाजे के ऊपर बनी हुई है। ये उनकी याद में बनाया गया था। और साल भर में यहाँ पर एक बार उन लड़कियों की पूजा भी की जाती है कुछ विवाहित महिलाओं के द्वारा, जो आसपास के किले के लोग रहते हैं। और यहाँ की जब राजा को ये बात पता चली थी तो राजा ने उनकी पूजा अर्चना शुरू करा के अपने नगर की शांति के लिए काम कराया था। और उनकी याद में ये किला है आज आपके सामने। तो तब से ये सुनसान पड़ा हुआ है, इवन उन लोगों के डेथ के बाद से यहाँ पे कोई फुला फूला नहीं, ये वैसे का वैसे पड़ा रहता है। इवन जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड था, मैंने आपको बताया था, एक बार वो वहाँ सोने चला गया था रात में और वो वहाँ से अगले दिन गिर करके मरा पाया गया। तो ऐसी कंडीशन होती है, लोग कहते हैं भूतियाँ एक्टिविटी होती रहती हैं, और वास्तविकता में ये फील भी होता है। मैं भी गया हुआ था तो रात में, हालांकि जाना अलाउड तो नहीं होता है, आपके जो पुरातत्व विभाग होता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने साफ साफ मना किया 6 बजे के बाद यहाँ आना परमिट नहीं है। जो सिक्योरिटी गार्ड था वो भी इस समय यहाँ पे नहीं है, गवर्नमेंट ने हायर किया हुआ था उसको, वो भी इस समय यहाँ पे नहीं रह रहा है शायद, मुझे पता नहीं चला वो कहाँ है इस समय, लेकिन मुझे मिला नहीं है। एकदम बिल्कुल सुनसान ऐसे पड़ा रहता है, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट लोग घूमते रहते हैं, मतलब जो नशे वशे करते हैं। पर इस किले के अंदर आप देख सकते हैं, ये ऐसा किला बिल्कुल मरी हुई हालत में है। और आप जब नीचे की तरफ जाएंगे तो एक मंदिर भी आपको इसे मिलेगा, ताकि उन सबसे शांति मिल सके जो बुरी आत्माएं यहाँ पर हैं, जो निगेटिविटी यहाँ पर है। पर उसमें भी एक मूर्ति चोरी कर ली गई, कुछ पता नहीं कौन ले गया वो चोरी करने के लिए। तो अंदर की पूरी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ,
और इसको आप बैठे बैठे घर से देख सकते हैं। अब अगर इतनी मेहनत किया है यार, ये दिन की वीडियो रात में तो बनती नहीं, हालांकि ये उचित भी नहीं था। और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिएगा थोड़ी सी इस मेहनत के लिए। ये पूरा अंदर से किला ऐसा लगता है, इसमें एक हनुमान जी की फ़ोटो भी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और सेफ्टी के बारे में बात हो चुकी है, फिर मिलूँगा आप लोगों से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।